नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था यूपी ट्रिपल एससी के कैलेंडर का, यूपी ट्रिपल एससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है विभिन्न परीक्षाओं का, जो आगामी जो महीने हैं उसमें जो उसको कराना है, संपन्न कराना है। एक बार हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी परीक्षाएँ हैं जिसकी चर्चा यहाँ पर हम लोग करेंगे। ये देखो तो उत्तर प्रदेश, ये जो हमारा अधीनस्थ है यूपी ट्रिपल एससी, उसकी वेबसाइट पे बहुत सारे नोटिस बोर्ड पे बहुत सारी नोटिसें लगी हुई हैं, जिनमें हम सबसे पहले कैलेंडर की बात करेंगे, कैलेंडर की चर्चा करेंगे। और ये वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। केवल परीक्षाएं आयोजित होने का यहाँ पे जिक्र किया गया है, रिजल्ट का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि बहुत सारे रिजल्ट आपके मई में आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहले परीक्षा है क्रमांक संख्या एक में दो परीक्षा 2021, यानी कि जो एएनएम की थी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वो 8 मई से इनकी परीक्षाएं सारी चालू हो जाएंगी। मतलब अभी आपका अप्रैल फिनिश होने वाला है, मुश्किल से 15 से 20 दिन के बाद इनकी परीक्षाएं चालू हो जाएंगी। 8 मई के बाद जो परीक्षा है वो 2018 का जो मंडी परिषद का था, उसमें कुछ पोस्ट, दो पोस्ट के लिए शायद आयोजित होनी थी, वो 22 मई को कराया गया है। उसके बाद आपके लिए जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी है तीसरा, वो आपका 22 मई को ही कराया जाएगा। मतलब 22 मई को दो पेपर कराए जाएंगे, एक मंडी परिषद का और एक जो स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का था उसका 2019 वाला पेपर था। बाकी अगर आप देखें तो एक परीक्षा 2022 जो चौथी परीक्षा है, ये लेखपाल की, और यही आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था। हालांकि अभी भी इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया है कि किस परसेंटाइल बेसिस पे करेंगे, और आपने ये भी देखा है कि कुछ पद नए जोड़े जा रहे हैं। अब वो इसी भर्ती में अगर जोड़े जाएंगे तो ये 10,000 के पार चले जाएंगे, और अगर इस भर्ती में नहीं जोड़े जाएंगे तो अगली पीईटी जो आपकी फिर से सितंबर में आयोजित की जानी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 सितंबर को, तो उसकी में जोड़ी जा सकती है। तो फिर से लेखपाल के पद आपके बढ़ रहे हैं, चाहे इसमें आए चाहे उसमें आए, लेकिन आपके लेखपाल के पद आ रहे हैं, ये बात कन्फर्म है। और ये परीक्षा 19 जून को हो रही है, दिन आपका रविवार पड़ रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 19 जून के लिए सब लोग तैयार रहना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट है आप सभी के लिए। अभी आपका लगभग 21 अप्रैल आज की डेट है, 9 दिन इधर बच रहा है, पूरा मई बच रहा है, 19 दिन उधर बच रहा है, मतलब 2 महीने हैं, 60 दिन तैयारी सभी की हो गई है। 2 महीने रिवाइज कर लोगे, बहुत ज़बरदस्त आप लोग रिजल्ट देखोगे, इस बात का समझिएगा। टीम परीक्षा प्लस ने भी कोर्स भी चलाया, आप उस कोर्स से जुड़ भी सकते हो। अंतिम समय में टीम आपके लिए निशुल्क क्रैश कोर्स भी चलाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि बहुत विधिवत तैयारी, लास्ट टाइम में टीम ने हमेशा क्वेश्चन को फंसाया, फिर से फंसा के रखेगी, इस बात को समझिएगा। तीन परीक्षा 2022 जो पांचवी परीक्षा है वो सम्मिलित प्रवर अवर वर्ग, जो मैंने बोला था कि आपकी अधीनस्थ की पहली नई वैकेंसी जो है पहली यही होनी है। ये कायदे से यूपी ट्रिपल एससी में तमाम परीक्षाएं आयोजित होने के लिए उनके पास खुद के कर्मचारी नहीं है, रिजल्ट निकालने के लिए खुद के कर्मचारी नहीं है, इस कारण से प्रवर अवर वर्ग सहायक पूर्ति निरीक्षक मुख्य परीक्षा, ये आप समझिएगा। और ये 29 जून, हालांकि इसमें पद ज्यादा नहीं होंगे, 40 से 50 पद ही होंगे, हो सकता है और भी कम हो, ज्यादा पद नहीं है, लेकिन इसके लिए, और ये सबसे बड़ी बात है, पीईटी के अंतर्गत कराया जाएगा। तो 29 जून को इसकी हो रहा है, यानी कि 10 दिन बाद ही जून मंथ में ही हो जाएगा। उसके बाद सहायक बोरिंग टेक्नीशियन जो 2019 की परीक्षा थी, ये कराई जाएगी 3 जुलाई को। अनुदेशक, आईटीआई अनुदेशक जो थी, ये यहाँ पे आपकी 17 जुलाई को कराई जाएगी। उसके बाद आपकी जो सम्मिलित तकनीकी सेवा जो 2016 की परीक्षा थी, ये 7 अगस्त को कराई जाएगी। वन रक्षक 2019 से बहुत ज़्यादा इंतजार था आपको, 21 अगस्त को कराई जाएगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी आपके लिए है वो ये है, पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022, और आज से ही इसके लिए लग जाइए, क्योंकि आप इसको लेखपाल में देख सकते हो कि परसेंटाइल कम होने के लिए कितनी ज़्यादा समस्याएँ हो रही हैं। अभी क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल को शांति अगर तभी मिलती है जब पीईटी में परसेंटाइल 95, 96, 99 के आसपास हो, तब समझिएगा, मतलब टॉप 1% में आपको आना है। तो अभी से जुट जाइए, 18 सितंबर की यह है टीम, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपका इसका कोर्स भी बहुत जल्द लॉन्च करने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी सूचना आपको मिल जाएगी। परीक्षा प्लस ऐप आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिए प्ले स्टोर से। इसके बाद आपका वीडियो का, ये जो सबसे ज़्यादा है इसको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। डेट तो नहीं बताया है, लेकिन 18 सितंबर और 6 नवंबर के बीच में दिया है, मतलब 18 सितंबर से 6 नवंबर की बात करें तो ये कभी भी पूरे अक्टूबर महीने में कभी भी हो सकती है, या हो सकता है सितंबर लास्ट में भी हो सकता है, 25 सितंबर के बाद भी। तो वीडियो भी आपका पीईटी के साथ में ही होगी, और दोनों परीक्षाएं, थोड़ा सा तो आपका सिलेबस अलग है, लेकिन आप देखो तो चीज़ें आपको वही पढ़नी है, इस कारण से आप वीडियो, और एक बार आप तैयारी कर चुके हो, इस बार आप चांस गवाओ नहीं, इसके लिए अभी से लग जाओ। बाकी 3 डेट इन्होंने रिजर्व रख ली है, 6 नवंबर, 20 नवंबर, 11 दिसंबर। रिजर्व रखने का मतलब ये हो गया कि इस डेट को कोई ना कोई परीक्षा होगी। अब कौन सी परीक्षा होगी ये कौन डिसाइड करेगा, ये अधीनस्थ डिसाइड करेगा। और मैं आपको बता दूं, जो संभावित परीक्षाएं हैं वो आपकी स्टेनो की हैं, जूनियर असिस्टेंट की हैं,
ठीक है, आपकी लैब टेक्नीशियन की है, एक्सरे जो टेक्नीशियन है इसकी परीक्षा है, ये सारी परीक्षा आपकी जो है ये गन्ना प्राविधिक की है, AGTA है ना, एग्रीकल्चर वाली का, ये सारे जो स्किन सुपरवाइजर हैं ये 6 नवंबर 20 नवंबर और 11 दिसंबर तारीख को आयोजित की जाएंगी। तो जो पिछला कैलेंडर था जितने एग्जाम के बारे में चर्चा की गई थी, अभी इस कैलेंडर में फोकस किया गया है, लेखपाल इस नया है और एक जो प्रवर वाला है दूसरा, ये दो परीक्षाएं नई हैं, बाकी सारी जो पुरानी परीक्षाएं 2016 2018 2019 वाली परीक्षाएं उनको इस बार करा लेगा। किस महीने तक? अगस्त महीने तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अगस्त के बाद एक बार फिर से एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से नई वैकेंसी आने वाली है। तो अधीनस्थ, मैं पहले बोल चुका था, अधीनस्थ इस बार जग चुका है और आप लोग अपनी तैयारी में अब पेश दे दीजिए, किसी का इंतजार मत करिए। सारे एग्जाम के कट ऑफ बहुत हाई जा रहे हैं, कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो सही कारण है वो ये भी है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा पढ़ रहे हैं, इस कारण से उनका कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, इसे हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा और पढ़ने वाला बच्चा इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझता भी है। तो चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और तमाम जानकारी आपको मिलती रहेगी तमाम कोर्सेज के बारे में। परीक्षा प्लस जो ऐप है यहाँ पे आप देख सकते हो, प्ले स्टोर पे परीक्षा प्लस आप सर्च करोगे तो यहाँ से आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, तमाम कोर्सेज बहुत मिनिमम प्राइसेस में आपको सारे बहुत जबरदस्त तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का, धन्यवाद।